नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत अब करेंगे बड़ी खबर से, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से वकीलों को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है, जिसके बाद अब वकीलों को बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। वकीलों के विवादित मामलों में यूनिफॉर्म में जाकर हस्तक्षेप करने पर अब रोक लगा दी गई है। भू माफियाओं का सहयोग करने की घटनाओं के चलते कोर्ट की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद अब वकीलों को एक बड़ा झटका लगा है। यूपी बार काउंसिल को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से यह आदेश दिया गया है, जहां वकीलों को कोर्ट कैंपस के बाहर यूनिफॉर्म नहीं पहनने के निर्देश अब कोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से वकीलों को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक फैसला सुनाया है, जहाँ साफ तौर पर कहा गया है कि कोर्ट परिसर के बाहर कोई भी वकील यूनिफॉर्म ना पहने, वकीलों के विवादित मामलों में यूनिफॉर्म में जाकर हस्तक्षेप करने पर रोक लगाने के मद्देनजर ये जो फैसला है ये काफी अहम और बड़ा माना जा रहा है। लेकिन इस फैसले से वकीलों को बड़ा झटका लगा है और यूपी बार काउंसिल को आदेश दिया गया है। फिलहाल अभी वकीलों की तरफ से इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद है कि वकीलों की प्रतिक्रिया जल्द ही सामने आ सकती है। वहीं वकीलों को कोर्ट कैंपस के बाहर अब यूनिफॉर्म नहीं पहनना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से वकीलों को बड़ा झटका लगा है और ये बड़ा और अहम फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाया है। तो वकीलों के विवादित मामलों में यूनिफॉर्म में जाकर हस्तक्षेप करने पर रोक लगाने के चलते ये जो फैसला लिया गया है ये काफी अहम माना जा रहा है। और साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि कोर्ट परिसर के बाहर अब कोई भी वकील, कोई भी अधिवक्ता अपने यूनिफॉर्म में नहीं घूमेगा, ना ही यूनिफॉर्म पहनने की अब उसे इजाजत है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है और माना जा रहा है कि इस फैसले से वकीलों को बड़ा और तगड़ा झटका लगा है, जहां अब कोई भी अधिवक्ता, कोई भी वकील कोर्ट परिसर के बाहर यूनिफॉर्म नहीं पहन सकेगा। आखिर ये जो फैसला आया, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है पवन? जी बिल्कुल, देखिए मुस्कान, अगर हम प्रयागराज में और हाईकोर्ट की बात करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया और ये बड़ा फैसला जो है ये अधिवक्ताओं के लिए एक बड़ा झटका भी कहा जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, लखनऊ खंडपीठ ने ये बड़ा फैसला लिया है कि जो अधिवक्ता है वो हाईकोर्ट परिसर से बाहर निकलेंगे तो उनको अपने जो यूनिफॉर्म है उनको यूनिफॉर्म में अन्य स्थानों पर जाने की जो अनुमति है उस पर रोक लगाई गई है। तो निश्चित रूप से अधिवक्ताओं के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। हालांकि अगर हम पूरे मामले को देखें तो तमाम ऐसे जो हाईकोर्ट में जिस तरीके से इससे फैसला लिया गया, इसमें यह कहा जा रहा है कि तमाम जो भू माफिया है, तमाम जो इस तरीके की जो घटनाएं होती है जहां पर अधिवक्ताओं की जो है मौजूदगी होती है, तो कहीं ना कहीं अधिवक्ता अपने यूनिफॉर्म में होते हैं। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखनऊ खंडपीठ ने यह फैसला लिया है कि जो अधिवक्ता है वो हाईकोर्ट परिसर से बाहर निकलने के बाद अपने यूनिफॉर्म में नहीं रहेंगे। लेकिन देखिए पवन, ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है कि अब कोर्ट परिसर के बाहर कोई भी अधिवक्ता अपने यूनिफॉर्म में नहीं घूम सकेगा, ना बाहर आ सकेगा, इसके पीछे की वजह क्या है, पूरा मामला क्या था जो कोर्ट को ऐसा फैसला सुनाना पड़ गया? बिल्कुल मुस्कान, देखिए ये जो मामला है वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम बीते कई खबरों की बात करें, बीते कई घटनाओं की बात करें, या तमाम ऐसी जो बड़ी घटनाएं प्रयागराज सहित तमाम आसपास के जो जनपदों में हुई है, तो वहां पर ये देखा गया है तमाम जो अधिवक्ता है, चाहे वो हाईकोर्ट के हो, चाहे वो जिला कचहरी के हो, वो तमाम अन्य मामलों पर भी जाते हैं, अपने यूनिफॉर्म में होते हैं। तमाम ऐसे स्थानों पर वो माफियाओं के साथ ही अधिवक्ताओं की जो तस्वीरें वो सामने आई है तमाम ऐसे स्थानों पर। तो इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखनऊ खंडपीठ ने यह बड़ा फैसला लिया है और लखनऊ खंडपीठ ने यह फैसला लिया है कि जो अधिवक्ता है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर जब निकलेंगे तो वो अपने यूनिफॉर्म में ना रहे, ताकि इस तरीके की जो घटनाएं है जहां पर अधिवक्ता इस तरीके से सामने नजर आते हैं उस पर कहीं ना कहीं ये रोक लगे, क्योंकि अधिवक्ताओं की जो छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि तमाम स्थानों पर, चाहे वो जमीन के मामले हो, चाहे अन्य किसी तरीके के मामले हो, तो वहां पे अधिवक्ता जाते हैं, तो इस तरीके के जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के बड़ा झटका ठीक है। लेकिन देखिए पवन, वकीलों को तगड़ा झटका लगा है, लगातार अटकलें यही है, लेकिन आज चूंकि त्योहार का दिन है, क्या इस पूरे फैसले पर वकीलों की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया दी गई है क्या?
बिल्कुल देखिए, जो फैसला है ये बीते कल का है, और आज की अगर हम बात करें तो आज प्रयागराज सहित पूरे देश में दीपावली पर्व की जो तैयारियां है वो की जा रही है। ऐसे में हाईकोर्ट में छुट्टी की गई है, तो निश्चित रूप से जो अधिवक्ता है कहीं ना कहीं उनके मन में इसका सवाल होगा। हालांकि अगर आधिकारिक पुष्टि की बात की जाए तो किसी तरह के, चाहे वो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बात की जाए, चाहे अधिवक्ता संघ की बात की जाए, अभी तक इस पर किसी तरह के कोई जो है आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि जैसे ही दीपावली पर्व बीतेगा, हाईकोर्ट खुलेगा, जब अधिवक्ता वहां पर फिर से इकट्ठा होंगे, अपने कामों पर लौटेंगे, तो निश्चित रूप से इस मामले को लेकर, इस फैसले को लेकर उनकी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आएगी। ठीक है, देखिए, अगर पवन हम बीते कुछ महीनों पर नजर डालें तो लगातार वकीलों का प्रदर्शन देखने को मिलता है। चाहे अगर हम लखनऊ की बात करें तो भी कोर्ट के बाहर वकील प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, प्रयागराज में भी। तो क्या इस मामले पर भी वकीलों का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? क्योंकि देखिए, ये हाईकोर्ट का फैसला है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखनऊ खंडपीठ ने यह फैसला लिया है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट न्याय की एक अच्छी प्रक्रिया मानी जाती है। बढ़िया ट्रायल प्रणाली के लिए हाईकोर्ट को जाना जाता है। यहाँ पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है, अधिवक्ता संघ है, हालांकि अब अधिवक्ता संघ और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी है किस तरीके से उस पर वार्ता करेंगे और किस तरीके से इस पर बातें होंगी, जब ये छुट्टियां खत्म होंगी और जब लोग वहां पर एकत्रित होंगे, अधिवक्ता संघ एकत्रित होंगे, आला अधिकारी एकत्रित होंगे, तो निश्चित रूप से इस पर चर्चा होगी। अब किस तरीके से चर्चा होगी, क्या उस पर वार्ता होगी, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस पर किस तरीके के जो अधिवक्ता संघ है, जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आला अधिकारी है, किस तरीके से फैसला लेंगे, किस तरीके से विरोध जताएंगे, या किस तरीके से इनकी मांगों को मान लेंगे, या इस फैसले पर अपनी सहमति जताएंगे, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। राम की नगरी अयोध्या में आज यानी कि 11 नवंबर को दीपोत्सव पर एक बड़ा कीर्तिमान एक बार फिर स्थापित होने जा रहा है। पूरे अयोध्या में लगभग 25 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनेगा। इस दौरान सिर्फ राम की पैड़ी के 51 घाटों पर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव पर आज एक बार फिर राम नगरी अयोध्या में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। दीपोत्सव का मुख्य कार्यक्रम राम की पैड़ी पर होगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट के कुछ मंत्री भी शिरकत करेंगे। सूरज के बाद राम की पैड़ी परिसर में 21 लाख दिए जलाए जाएंगे, जबकि अयोध्या के बाकी मठ मंदिर और अन्य स्थानों को मिलाकर 25 लाख के करीब दिए एक साथ झिलमिलाएंगे। वहीं दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं। तो वही धनतेरस का उत्साह देश भर में जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। वही इस पर्व के मौके पर कानपुर के एक मंदिर की खास सजावट की गई है। लोगों को मां वैभव लक्ष्मी का श्रृंगार खूब पसंद आ रहा है, क्योंकि धन की देवी मां वैभव लक्ष्मी के मंदिर को नोटों से सजाया गया है, जिसमें 17,50,000 रुपए मंदिर के चप्पे चप्पे पर लगाए गए हैं, जिसमें 10 रुपए से लेकर 2,000 तक के नोट शामिल है। मेरा नाम है जितेंद्र मोहन वाजपेयी, मैं महालक्ष्मी मंदिर पुजारी हूं, और माता रानी का श्रृंगार तो अद्भुत चलता ही है। हर बार माता रानी जैसी प्रेरणा देती हैं वैसे होता है। अब मानता ये है, तो देखिए, इस कलयुग में तो लक्ष्मी जी को सबकी ज़रूरत है। कलयुग का समय चल रहा है, तो लक्ष्मी जी नहीं है तो कुछ नहीं है। और मानता तो ये है, माता रानी सबकी मुराद पूरी करते हैं। साल में धनतेरस आता है, नोटों का श्रृंगार होता है, ये सब भक्तों की इच्छा के ऊपर निर्भर है। भक्त की इच्छा होती है वैसे श्रृंगार हो रहा है, और माता ने खजाना बढ़ता है। दीपावली में यंत्र दिया जाता है, तो वो साल भर घर में लोग अपने पूजा करते हैं। तो अब की आप ये मान लीजिए 17.5 लाख रुपये लगा हुआ है, क्योंकि प्रसाद लगा था 12 लाख रुपये, अब की 17.5 लाख का श्रृंगार हुआ है। अयोध्या में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक पर संबल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर का गुस्सा भड़का है। संबल सांसद ने कहा कि हमारी बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से शहीद कर दिया, फिर उस पर मंदिर बना दिया गया। कोर्ट भी उनका है, हमारे पास बीजेपी के पास ताकत है, उनके पास सरकार है, जहां चाहे बैठक कर लें। संबल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने आगे कहा कि कानून होने के बावजूद गैर कानूनी तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और मस्जिद की जगह पर मंदिर को बनवा दिया गया, जो कि गैर कानूनी है। मुल्क के खिलाफ, इंसानियत और कानून के खिलाफ ये काम हुआ है, और मुख्तलिफ धर्म के लोग देश में रहते हैं। एक मस्जिद को शहीद कर मंदिर बनवाना गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ है।
देखिए अव्वल तो ये कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, इसे बिल्कुल इलीगल गैर कानूनी तरीके से। वो मुसलमानों की मस्जिद थी, अल्लाह का घर था, इबादतगाह थी, लेकिन इसके बावजूद कानून हमारे पास मौजूद है, संविधान मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और कमाल ये है कि अब मस्जिद को शहीद करना ही पर ही उनका यानी वो काफी नहीं हुआ उनका काम, उन्होंने उसको उस पर मंदिर और बनवा दिया। और ये मंदिर बहरहाल गैर कानूनी है जो कुछ बना है, और ये अब ये चुके उनके हाथ में गवर्नमेंट है, बीजेपी के हाथ में गवर्नमेंट है, तो ये तो उनकी पॉलिसी है, वो जो जो भी करना चाह रहे हैं वो अपनी ताकत के बलबूते पर वो कर रहे हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जो राम मंदिर ही नहीं भगवान राम के नाम से भी नफरत करते हैं। हालांकि उन्होंने इस दौरान किसी नेता का नाम नहीं लिया और कहा कि राजनीति में भाषा तो सांकेतिक ही रहती है, यानी कि उन्होंने साफ तौर पर किसी नेता का तो नाम नहीं लिया, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं पर वो जुबानी वार करते हुए नजर आए। इस दौरान साफ तौर पर कहा गया है प्रमोद कृष्णम के द्वारा कि पार्टी के कुछ नेताओं को न सिर्फ राम मंदिर बल्कि भगवान राम के नाम से ही नफरत है। खबर बुलंदशहर से है जहां पुलिस पूछताछ के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जहां पुलिस ने पीड़ित पक्ष को समझाया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि मृतक के शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह का खुलासा होगा। बता दें ये पूरा मामला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के गांव जलीलपुर का है, जहां देर रात संदिग्ध लोगों का सत्यापन करने पुलिसकर्मियों की टीम गई थी और पुलिस ने सलीम नाम के व्यक्ति को पूछताछ के लिए उठाया, जिसके बाद व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आज दिनांक 10/11 देश को थाना जहांगीराबाद की पुलिस पशुपटान तथा लूट से संबंधित संदिग्धों के सत्यापन हेतु ग्राम जलीलपुर गई हुई थी, जिसके क्रम में सलीम पुत्र सब्बीर, जिनकी उम्र करीब 55 साल है, इनसे भी पुलिस द्वारा पूछताछ की गई। प्रातः CSC से सूचना प्राप्त होती है कि उपरोक्त सलीम की मृत्यु हो गई है, जिसके आधार पर मृतक के शव को पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है, जिसकी वीडियोग्राफी कराकर पैनल द्वारा पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। इनके शरीर पर कोई जाहिर चोट के निशान नहीं है, फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जाए। इनके परिवार द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर जाँच करके विधिक कार्यवाही की जा रही है। अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र के गांव घाटोली में दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाते हुए पथराव करते दिखे। लड़ाई की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट में घायल दोनों ही पक्षों के परिवार के लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद कुछ घायलों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जिला मलखान सिंह अस्पताल रेफर कर दिया है। वही पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। सर, एक हमारे घर के सामने नाली है, कीचड़ होती है, उसमें बच्चे उसमें पैर धर धर के निकल जाते नाली में। तो ये विनोद गोड़ा से आया, बोला कि भाई ये नाली में किसने डाल दिए हैं ये रोड़ा रफारे। हमारी घरवाली बोली भाई साहब किसी बच्चे ने डाल दिए होंगे, हम हटा देंगे इनको। वो गाली गलाओं जो तरह से बोलने लगा, मारपीट और उधमबाजी करने लगा। किन लोगों ने मारपीट करी? विनोद, रवि, महेश, रघुवीर सिंह और उसकी पत्नी। क्या लोग घायल हैं? हमारी तरफ से 5 लोग घायल हैं, कोमा में हैं 2 भाई मेरे, लाला और मुकेश। कहाँ उपचार चल रहा है? मेडिकल इमरजेंसी में। कहाँ जी? कौन से? अलीगढ़ मलखान सिंह में। अच्छा। चल रहा है। अगली खबर हरदोई से है, जहां थाना बेनीगंज के बरगदिया बॉर्डर के पास प्रतापपुर न्यामिश रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी है, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें एक पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थीं। वह इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक टक्कर मारने वाले वाहन का पता नहीं चला है। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। दुर्गेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी हरदोई, थाना क्षेत्र बेनीगंज में बरगदिया बॉर्डर के पास एक बाइक पे सवार 3 लोग, जिसमें एक पुरुष और 2 महिलाएं थीं,
ये हरदोई से सीतापुर की तरफ जा रहे थे, अज्ञात वाहन की टक्कर से इनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई है। और इनकी पहचान सूरज पुत्र सुंदरलाल राजवंशी मिलिया मिश्रिक और उनकी दो रिश्तेदार जो महिला हैं इनके रूप में हुई है। इनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है, मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और अनावश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है, शांति व्यवस्था कायम। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।